नमस्कार, मैं हूँ अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में अब वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आज की पहली खबर है जालौन से। जालौन पहुंचे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एरी रामपुरा ग्राम पंचायत में अच्छा काम करने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रधान को सम्मानित किया। बता दें कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जालौन के विकास खंड डकोर की ग्राम पंचायत एरी रामपुरा पहुंचे थे। ग्रामीणों से संवाद के दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गांव में सचिवालय स्थापित हो। देश के पीएम मोदी गांव को विकास की आधारशिला मानते हैं। विकास कार्यों के लिए पैसे की कमी नहीं है, अगर हर प्रधान ईमानदारी से काम करे तो देश का विकास संभव है। समस्या का समाधान करने के लिए एक विधायक और एक जनप्रतिनिधि के रूप में वे लगातार कार्य करते रहे, निरंतर यहाँ की समस्याओं को शासन के सामने रखने, उनका समाधान करने के लिए उन्होंने बराबर प्रयास किया और आज उसी का परिणाम है कि भाइयों बहनों, सपा बसपा और कांग्रेस ने आपको 70 वर्षों तक बूंद बूंद जल के लिए तरसाया था, लेकिन अब आपकी अपनी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर नल योजना को साकार करना प्रारंभ कर दिया। हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का हम काम कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत खारिज कर दी थी, साथ ही एक हफ्ते में हाजिर होने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज अचानक रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिसके बाद हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली परिसर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष ने गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन उप ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नूपुर गोयल को सौंपा, जिसमें उन्होंने जहांगीरपुरी दंगे की निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कराने की मांग की है। वहीं दंगे के आरोपियों की रिहाई की भी मांग की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान से मिलने सपा का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। बता दें कि सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल जेल पहुंचा था, लेकिन करीब आधे घंटे का इंतजार करने के बाद भी आजम खान से मुलाकात नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि आजम खान ने रविदास मेहरोत्रा से मिलने के लिए मना कर दिया, लेकिन जेल से बाहर आते ही सपा प्रतिनिधिमंडल ने जेल प्रशासन पर मुलाकात न कराने का आरोप लगाया है। रविदास मेहरोत्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जेल के अंदर आजम खान की हत्या हो सकती है। 20 मंजिल में रहे थे, आज 26 महीने से आजम खान जेल के अंदर बंद हैं, तो लगता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। हम लोगों को शंका ये है कि आजम खान साहब की कहीं जेल में हत्या कर दी जाए। अगली खबर है वाराणसी से, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जिला इकाई को संबोधित किया, साथ ही विभागीय बैठक में भी हिस्सा लिया। काशी आते ही उन्होंने बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष कौन और कब तक होगा। इस पर उन्होंने कहा कि हमने शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध किया है, जल्द ही बीजेपी का कोई सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। कर चुका हूँ, मैं आग्रह कर चुका हूँ और प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने जल्दी आ जाएगा। से आ रहे हैं क्या प्रदेश अध्यक्ष? आपके सामने जल्दी आ जाएगा। दीपक। वही मुरादाबाद में नगर निगम के पथ प्रकाश विभाग में नौकरी से निकाले जाने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। उनके समर्थन में जीविका बचाओ आंदोलन समिति और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी भी धरना स्थल पहुंचे और उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही नगर आयुक्त को संबोधित ज्ञापन सहायक नगर आयुक्त को सौंप कर सेवा बहाली की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फैक्ट्री में हुई चौकीदार की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए बदमाशों से भारी मात्रा में लूटे गए कॉपर के तार, एक ऑल्टो कार और मोटरसाइकिल समेत आला कत्ल भी बरामद किया है। बता दें कि दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते समय चौकीदार की हत्या कर दी थी। देखिए, दिनांक 17/18 की रात में मामन चुंगी रोड पर मोहन कुटी से आगे खान एंड सिरोही के नाम से एक फैक्ट्री है, जिसमें पुराने ट्रांसफार्मर और बिजली के मोटर्स के मरम्मत का काम किया जाता है। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है,
उसमें कुल 4 गार्ड गनर के रूप में लगे रहते हैं और 2 डंडे से रहते हैं और 2 जो है असलहे के साथ रहते हैं। 17/18 की रात में वहाँ पर एक चौकीदार नरपत जो निहत्था वाला था, डंडे वाला, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। सिर पर चोट के गंभीर निशान थे, काफ़ी ब्लीडिंग हो गई थी और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो प्राथमिक दृष्टि से छानबीन में लोगों को यह संदेह था कि हत्या के इरादे से हत्या की गई है, लेकिन हम लोगों ने सारी संभावनाओं पर गहनतापूर्वक विचार किया। इसमें से मुख्य अभियुक्त नदीम, जिसके विरुद्ध 12 मुकदमे इसी तरह की गंभीर चोरी आज के पूर्व से दर्ज है, अच्छा लुटेरा रहा है। अब तक चोरी के दौरान हत्या की 2 घटनाओं की स्वीकारोक्ति इसके द्वारा स्वयं की गई है। नगर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने 5 दिन पूर्व चौकीदार की हत्या का किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की गई कॉपर की तार, बाइक जिसमें ठेला लगा हुआ था और एक एल्टो कार की बरामद। बुलंदशहर से इंडिया पब्लिक खबर के लिए जावेद खान। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव में एक दिल झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी भाभी के साथ अवैध संबंधों के चलते अपने भाई की हत्या कर दी। बता दें कि हत्या 2 से 3 दिन पहले की गई थी। वहीं बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर शव को बरामद किया। वहीं हत्या का आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। सर, अलियापुर गांव में एक कमरे में डेड बॉडी मिली है, सर क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? आज सुबह सूचना मिली कि गांव में एक घर, सुनील के घर से बदबू आ रही है। इस सूचना पर पुलिस आई और फील्ड यूनिट की टीम आई। घर में ताला बंद था तो टीम और फील्ड यूनिट की टीम के माध्यम से ताला खुलवाया गया और देखा गया तो उसमें संतोष नामक व्यक्ति की जो है बॉडी मिली। बॉडी से बहुत बदबू आ रही है और गांव के लोगों का कहना है कि सुनील का संतोष की पत्नी से कुछ अवैध संबंध थे और उसके पहले विवाद थे और सुनील जो है कल तक देखा गया गांव में और संतोष कई दिनों से नहीं मिल रहा था। चूँकि उसकी पत्नी भी सुनील के साथ रही होगी, इसलिए जो किसी ने कोई सूचना उसके गायब होने की थाने में नहीं दी। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम करवा कर। अगली खबर है मेरठ से, जहां थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के घंटे वाली गली में प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या की खबर से कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्यारा चाचा अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। फिरोजाबाद पुलिस ने अवैध कारतूस तस्करी मामले में अमरोहा के हसनपुर से 25,000 के आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 700 अवैध कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली पुलिस और लखनऊ एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां संयुक्त टीम ने सैधरी मोड़ पर करीब 60 लाख रुपए की कीमत की 600 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। साथ ही 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें, सिंगाही थाना क्षेत्र के निवासी नसीम पठान और लखनऊ के खदरा निवासी मोहम्मद जाकिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। आज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ की एसटीएफ की टीम को एक सूचना मिली थी, यहाँ कुछ लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं। उनके दबिश में थाना कोतवाली और एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा जो है एक गिरफ्तार किया गया 2 लोगों को, जिनके पास से 600 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसकी मार्केट कीमत करीब 60 लाख के आसपास जो है बताई जा रही है। बाकी चीज़ें ये कहाँ से लाते हैं, किसको सप्लाई करते हैं, कैसे क्या है, सारी चीज़ें तथ्यों की खोज की जा रही है और ताकि इनके जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जा सके और भविष्य में ऐसे सख्त कार्रवाई की जा सके। संभल पुलिस को भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गैंग गिरोह के 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर करीब 75 लाख की कीमत के 12 ट्रैक्टर बरामद किए हैं। पुलिस इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की तैयारी में है। थाना रजपुरा के अंतर्गत पिछले कुछ समय से कई किसानों ने आकर ये शिकायत की थी कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनका ट्रैक्टर ले जाया गया है और उसके बाद में उस ट्रैक्टर का पता नहीं चल रहा है। इसमें आज ये पूरे गिरोह का खुलासा किया गया है, जिसमें मतेंद्र नागर, जितेंद्र, ये दोनों थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद, मोहरपाल और मुनेंद्र भूप सिंह, ये बदायूं और कासगंज के निवासी हैं। इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके आज भेजा जा रहा है। इसमें इनका मॉडस ऑपरेंडी इस तरह से था कि ये किसानों से
उनके ट्रैक्टर किराए पर लेते थे, किराए पर लेने के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे और उसके बाद में उन ट्रैक्टरों को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देते थे। अगली खबर है अमरोहा से। अमरोहा पुलिस ने रजबपुर थाना क्षेत्र से दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की कार से 200 बोतल हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब के साथ 152 पौवे बरामद हुए हैं। कल विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि हरियाणा से एक कार जो है शराब लेकर के और जोया टोल प्लाजा से गुजरने वाली है, तो हम लोग उस पर विश्वास करते हुए टोल प्लाजा पर घेराबंदी कर दिए पुलिस के साथ। जब गाड़ी आई तो उसको रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी भगाने लगा, दौड़ा करके उसको घेर करके पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसमें 200 बोतल मैकडावल ब्रांड के बोतलें और 192 पौवे बरामद हुए तथा दो अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए। संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध रजबपुर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। वहीं एटा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कचहरी रोड के पास एसएसपी कार्यालय के पीछे बेखौफ अज्ञात चोरों ने कैनरा बैंक के एटीएम को ही चोरी कर लिया, जिसके बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं अब पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। एटा के ही थाना मलावन क्षेत्र के हाईवे रिलायंस पेट्रोल पंप के कार का टायर फटने से हादसा हो गया, जिसमें दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि शादी कार्यक्रम में शामिल होने लोग जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर है कानपुर देहात से, जहां सिकंदरा नगर पंचायत के पटेल चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में एक दर्जन से ज्यादा अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना ठोका गया। अतिक्रमण अभियान के दौरान एसडीएम सीओ सहित भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। वहीं गोरखपुर में कैंपियरगंज तहसील के मझगावा के कई घरों में अचानक आग लग गई। वहीं हवा के कारण काफी दूर तक आग की लपटें फैल गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग की घटना से ग्रामीणों को बड़ा नुकसान हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चंदौली के डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह एडवोकेट की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित शहर भवन में प्रेसवार्ता की गई। बता दें कि 25 साल से लंबित न्यायालय भवन के निर्माण का मसला सुलझने पर प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। इसी मौके पर मुख्यालय में विजय जुलूस निकाला जाएगा। प्रेसवार्ता के दौरान पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह एडवोकेट, पूर्व महामंत्री जन्मेजय सिंह, पंकज तिवारी, अतुल सिंह समेत तमाम वकील मौजूद रहे। आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दा यही है कि जो हम लोग लड़ाई जमीन को लेकर, न्याय निर्माण की जमीन को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, वो कल जाकर अधिग्रहण की कार्रवाई कल संपन्न हुई। क्या कार्रवाई हुई है और आगे किस तरह के आप लोग कार्रवाई है? कार्रवाई ये हुआ है कि कुछ जमीन को हम लोगों को पहले ही सरकार द्वारा मिल गया था और बाकी जमीन का कुछ जमीन जो हम लोगों ने के मतलब प्रयास से बैनामा हो गया था कैले के नाम से, और जो जमीन अभी जो शेष बची थी उसका अधिग्रहण जो है किया गया था, वो जो है कार्रवाई कल संपन्न हुआ। इसलिए कल जो है हम लोगों के न्यायालय के लिए कह दीजिए कि बहुत ही खुशी का दिन कल रहा। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक ना जाएं।